मैं दावा देता हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त डॉक्टर फनकार और गुलकार मजर रफीक साहब को। आपने फनकार कह के फनकारों की तौहीन कर दी है, लेकिन चूंकि आप बड़े हैं, सीनियर भी हैं, तो सिर्फ आपके चक्कर में। लेकिन अगर आप इस इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा उर्तुगरुल गाजी का भी टच लगा देते और कह देते कि ये एक जांबाज सिपाही भी है उम्मत के, तो ज्यादा मुनासिब लगता। ठीक है नाजरीन, ये एक जांबाज सिपाही है उम्मत के, जो इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों के साथ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में निहत्ते उतर चुके हुए हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने जो है जबरदस्त तरीके से इंसानों की जानें बचाई हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये प्रोग्राम बैन हो जाए। नहीं यार, मगर एक बात बहुत सीरियस है कि जिन हालात में और जिन पैसों पे आप लोग काम करते हैं पाकिस्तान में सारे डॉक्टर्स, मैं आपका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। हम लोग तो डर के भाग आए थे, लेकिन आप लोगों ने सारा संभाला हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और हमारे दिल में आप लोगों के लिए बहुत कदर है और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं इस वजह से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यश भाई, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। ऑल दो मेरा बुलाना है शो के अंदर, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज तक पहले कभी इन्वाइट नहीं किया गया हूँ, सो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। लेकिन मैं समझता हूँ मेरा यहाँ पर बुलाया जाना, मेरा यहाँ पर बुलाना ऐसे ही है जैसे टीपू सुल्तान को आप कड़ी पकौड़ा की रेसिपी पूछने के लिए बुला लें। हमारा बहुत ज्यादा उस तरह से इंटरेक्शन नहीं है कोरोना पेशेंट के, वी आर नॉट वर्किंग इन द आईसीयूज, लेकिन स्टिल चूंकि एमरजेंसीज के अंदर काम करते हुए इंटरेक्शन होता है उस पॉपुलेशन के साथ जो कि सपोजिटली इन्फेक्टेड है, तो उस लिहाज से जो कुछ मेरे इल्म में होगा इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एंड अगेन इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, ये प्लेटफॉर्म से ट्रेन चलने वाली है, अब तैयार हो जाए। अच्छा यार मजर, आज हम बात करना चाहते हैं यार, वो जनरल है कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जो डॉक्टर्स की, आपको पता है आप उनके इश्यूज भी डिस्कस करते रहते हैं, आपके दोस्त हैं, आप सुनते भी रहते होंगे, तो आज मैं वो ओवरऑल पिक्चर चाहता हूँ कि जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तो डॉक्टर्स की क्या सिचुएशन है और क्या चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं, और आप ये बताएं कि अभी इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या। वैसे भाई इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप करंट सिचुएशन की बात करेंगे तो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। हुआ तो शुरू में ये था कि जब पहला केस यहाँ पर रिपोर्ट हुआ था उसके बाद ही गवर्नमेंट को चुकन्ना हो जाना चाहिए था और उस लिहाज से प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको बड़ा लाइट लिया गया, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा ही है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स नजर आए। अमेरिका जैसी बड़ी मुल्क के अंदर भी ट्रंप का जो कहना था शुरू के अंदर तो चाइना वायरस कहकर इसका मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ नहीं थी। हम देख चुके थे कि इटली और स्पेन के अंदर जो हालात हुए थे और इंग्लैंड के अंदर जो चीजें रिपोर्ट्स आ रही थी उसके बावजूद भी अकल के नाखून नहीं लिए गए और बड़ा ही लाइट किस्म का एटीट्यूड था टुवर्ड्स दिस होल पेंडेमिक। और अब जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब है, एक स्मार्ट लॉकडाउन के नाम के ऊपर एक मजाक खेला जा रहा है। अभी भी आप बाजारों के अंदर जाएंगे, अभी भी आप सड़कों के ऊपर जाएंगे तो आपको एहसास ही नहीं होता कि ये काम रूटीन का दिन है या कोई पेंडेमिक है जिसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। सो सिचुएशन तो खराब है, और जो सस्पेक्टेड पीक भी है पाकिस्तान के अंदर कोरोना के केसेस की वो भी ये विद इन रमजान है, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तानियों की जो ईद है वो मुबारक ईद साबित हो और हम इस वबा से जान छुड़ा पाए, लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक ऐसा लगता नहीं है। हाँ जी यार बस, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो रहा है, और इस वायरस में सारी गेम ही ये है कि कौन कितना फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, कितना जल्दी आप इसे कंटेन करते हैं। हुकूमत कह रही है कि जब ये फैलेगा तो फिर हम इसे रोकेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, आपको इसे फैलने से ही रोकना है। और ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्म है मेरा ख्याल से एक दम लॉकडाउन है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा जब तक आप लोगों को खुद बंद नहीं करेंगे। अगर आप फैसले करने की ताकत लोगों को दे देंगे तो तारीख गवाह, लोगों ने कभी सही फैसले नहीं किए, जितनी भी जंगें हुई हैं ये सारी वॉर अगेंस्ट टेरर है, अगर लोगों ने सही फैसले किए होते तो हम इस वक्त इस दुनिया में ना होते। तो आपको हुकूमत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और हुकूमत को ही लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ेगा, वरना हमारे लोग तो बेचारे उन्हें तो समझ ही नहीं है कि किस कदर बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली वो ना एक कहानी थी कि वो किसी जमाने में ना एक साहब जो थे वो गांव से गुजर रहे थे, उन्हें ताज़ा ना मंतक पड़ी थी, तो उन्होंने जाके एक किसान से पूछा कि जो कोलू का बैल आपका फिर रहा है ये इसका क्या, इसके गर्दन में जो आपने घंटी बारी है इसका मकसद क्या है। उसने कहा जब ये रुक जाता है ना तो घंटी का शोर रुक जाता है, मुझे पता चल जाता है कि ये रुक चुका है। तो उसने कहा अगर ये कोलू का बैल खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहेगा तो मैं कैसे पता चलेगा। उसने कहा भाई मेरी जान छोड़,
मेरे बैल ने मन तक नहीं पढ़ी हुई, हमारी कौम जो है ना वो मन तक बहुत पढ़ के बैठी हुई है। अभी अभी तक वो लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ पाए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना के स्प्रेड को रोक रहे हैं, हम उस पीक को पोस्टपोन कर रहे हैं, हम उस कर्व को फ्लैट कर रहे हैं जो आना है। ये नहीं होने लगा कि जी जब इतना पेंडेमिक है और जिस तरह से इसका स्प्रेड है, चूंकि एयरबॉर्न डिजीज है तो जिस तरह से इसने फैला उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा कि हम इस लॉकडाउन से अब तमाम की पॉपुलेशन को बचा लेंगे। डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड, लेकिन इस लॉकडाउन का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो प्रेशर हॉस्पिटल्स के ऊपर बिल्ट होने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में। अब जैसे कल ही का एक वाकया था कि कराची के अंदर एक फेमस रेडियोलॉजिस्ट जो कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर काम करते थे, उनकी सड़क पे ही डेथ हो गई। और ये याद रखिएगा कि जब डॉक्टर्स को भी अपने लिए बेड ना मिल पा रहे हो तो सिचुएशन इज गेटिंग शिटियर। हां जी, हां जी, बिल्कुल सही बात है यार, बड़ी ही दर्दनाक सूरत हाल है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में पीक आ रही है, अल्लाह करे ये अल्लाह ताला की मदद से ही फ्लैट हो जाए। लोगों ने तो इसे फ्लैट नहीं करना, तो ठीक है यार, मदद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आप ये बताएं कि इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में, उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? सबसे पहली बात आप ये बताएं कि क्या आवाम उनके साथ कोऑपरेट कर रही है हॉस्पिटल्स में? हाँ, अभेश भाई, मैं इस सेगमेंट को, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो हमारी खुद की कैपेबिलिटीज, हम बीइंग डॉक्टर्स क्या इस पेंडेमिक के लिए तैयार थे, और दूसरे स्टेप के अंदर मैं बात करूंगा आवाम के लिए कि आया वो भी इस बीमारी को बीमारी तस्लीम करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो पहले स्टेप के अंदर तो मैं इतना बताता चलूँ कि बीइंग डॉक्टर्स हमने ऐसे अनप्रेसिडेंटेड किस्म के हालात के अंदर काम नहीं किया हुआ। सुनने में आता था कि पैंडेमिक्स हुआ करते थे, कम्युनिटी में पढ़ा करते थे कि पैंडेमिक्स होते हैं, लेकिन पहली मरतबा ट्रू पैंडेमिक का आज सामना है। और होना तो ये चाहिए था कि टेक्निकली हमें इसके बारे में ट्रेन किया जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ना तो ट्रेन किया गया, ना उस तरह से हमारी तरबियत की गई, हमें बताया गया कि इस सूरत हाल के अंदर किन किन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है और इसको कैसे डील करना है। यहां तक के अभी तक क्लियर कट गाइडलाइन जो है पीपी के बारे में भी, वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई। कभी कह देते हैं कि N95 मास्क जरूरी है, कभी कह देते हैं सर्जिकल मास्क जरूरी है। चूंकि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की एम्बिग्विटी पाई जाती है इन मामला के ऊपर, तो चलिए ये तो एक्सेप्टेबल बात है, लेकिन आया गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया? डॉक्टर्स के लिए तो बड़ा आसान है कि वो जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस अवेलेबल है उनके ऊपर जाके वो नेट के ऊपर सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी स्टाफ नर्सेस, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ या हमारा जेनिटोरियल स्टाफ जो वहां पर काम कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, वो भी इक्वली ससेप्टेबल है टुवर्ड्स दिस डिजीज, क्या उनके लिए हमने कुछ किया? अनफॉर्चुनेटली नो, हमारा स्टाफ ट्रेन बिल्कुल नहीं है। एक बात मैं इससे पहले कि हम भूल जाएं, वो ये कि यार इस सारे पेंडेमिक में ना, मेरा ख्याल से हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल से जो बड़ा रोल है वो नर्सेस का है। क्योंकि आप ये देखें कि जब एक पेशेंट आईसीयूज़ में होते हैं तो हम लोग तो राउंड करते हैं, पेशेंट देखते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है हम इंटरवेंशन के लिए जाते हैं। नर्सेज जो हैं वो वार्ड में या आईसीयू में वो पूरी शिफ्ट के दौरान उस पेशेंट के साथ रहते हैं, तो उनका रिस्क ऑफ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनके ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं कि जहाँ वो गलती करेंगे और कोरोना वायरस से पॉजिटिव होंगे। हर हॉस्पिटल में ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो स्टाफ पॉजिटिव है उसमें नर्सेस शामिल है। और दूसरा एक बड़ा इग्नोर पार्ट है वो ये है, जो वार्ड बॉयज होते हैं, जो ये हाउसकीपिंग वाले लोग हैं, ये लोग भी पेशेंट के रूम में जाते हैं जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इन्हें भी प्रॉपर टीचिंग नहीं देंगे, इन्हें प्रॉपर तरीका नहीं बताएंगे डॉनिंग और डॉफिंग का, इनकी वजह से भी फैलेगा। इस वक्त हर इंसान उतना ही अहम है, क्योंकि ये वायरस ये नहीं देखेगा कि ये डॉक्टर है या नर्स है, एक जेनेटर भी है, एक वार्ड बॉय भी है, उसके थ्रू भी ये वायरस ट्रेवल करके फैल सकता है। तो हमें पूरे हॉस्पिटल स्टाफ की जो है ना, एक एक मेंबर को बड़े सीरियसली ट्रेन करना चाहिए। खैर, सॉरी आपकी बात काटी थी मैंने। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने मेरी ही बात को आगे बढ़ाया। और मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं चला रहे, हमारा जेनेटोरियल स्टाफ, हमारे वार्ड बॉयज, हमारी स्टाफ नर्सेस, हर बंदे का एक अपना अपना काम है। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो वाली सर्विसेज नहीं दी जा सकेगी और सिचुएशन जो है वो उतनी खराब होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर ये जरूर कमी है कि पीपीई ना देना एक अलहदा कहानी है जिसका पूरी दुनिया में शॉर्टेज का सामना है, लेकिन कम से कम डॉक्टर्स को ट्रेन करना उनकी जिम्मेदारी थी, रेगुलर वर्कशॉप जरूर करवाई जाती। क्योंकि देखें, मैं बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैंने कभी आईसीयू के अंदर काम नहीं किया, मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आईसीयू के बारे में क्या गाइडलाइंस होंगी जब इस तरह का कोई पेशेंट लैंड करता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली मैं खुद को इन्फेक्ट करवा लेता हूँ और मुझे नहीं पता चलता
क्योंकि बहुत से पेशेंट्स इस तरह से भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं इस वक्त, और चूंकि हम बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं और हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम खुद भी इन्फेक्ट हो जाएं। तो वो जो क्रॉस कंटामिनेशन है उसके बारे में हमें कितना कुछ गाइड किया गया। अभी भी जब मैं पीपीई पहन के बैठता हूँ तो एक किस्म का तमस्कर उड़ाया जाता है कि आप तो एक जनरल इमरजेंसी के अंदर बैठे हुए, यहाँ पर तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो गाउन है न सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो ये हमारे पास जो अवेलेबल है वो उन गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है, लेकिन कम अज कम जो मिनिमम रिस्क हो सकता है मैं उसको तो ऑप्ट कर सकता हूँ ना। तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दैट एप्रन व्हिच इज अवेलेबल नाउडेज इन द क्योंकि यार अभी तक समझ नहीं पा रहे कि कौन से लोग पॉजिटिव हैं। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पे इमरजेंसी में फ्रंटलाइन पे बैठे हैं, कोई भी डोर से अंदर आ जाता है तो आपको क्या पता कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छी बात है, और इस तरह आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी हिफाजत करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आप भी खुदा न खासा पॉजिटिव हो जाए, आपके सिम्टम ना आए, तो अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो आप अपना वायरस दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। Exactly. ठीक है यार, मतलब अब आप ये बताएं कि अवाम की बात करना चाह रहे थे आप। हाँ जी, तो अवैस भाई, किसी भी मुसीबत को समझने के लिए या उसका हल ढूंढने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो रियलाइजेशन होता है कि हम समझें कि आया वाकई हम किसी मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम जो है वो शायद गवर्नमेंट की नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से या जनरल पॉपुलेशन के अंदर की जो मंतकी लोग बैठे हुए हैं, जो मंतक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये इस तरह से हो सकता है या उस तरह से हो सकता है, उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। दे आर अनअवेयर, कंप्लीटली अनअवेयर कि आने वाले दिनों के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर किस किस्म का बर्डन आने वाला है। अभी भी आप ओपीडी से जाके सिचुएशन देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि चंक ऑफ द पेशेंट वो है जो कि शायद सिर्फ नजला जुकाम खांसी दर्द का इलाज, सर के दर्द का इलाज या पाओगे, जो ऐसे 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 अमराज जिनको अभी शायद फॉलोअप उस तरह से नहीं चाहिए, लेकिन उसका 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 एक बड़ा एक चंक है जो कि ओपीडीज के अंदर लैंड कर रहा है। इसी तरह से आप अगर हॉस्पिटल बाहर बाजारों के अंदर सड़कों पे जाएंगे तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आया वाकई हम किसी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं या ये सिर्फ मजाक चल रहा है। जो दुनिया दुनिया गुजर चुकी है, क्या हम उसके अंदर वाकई गुजरने के काबिल भी है कि नहीं। आप देखिए कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, बड़े बड़े जाइंट्स इस पेंडेमिक की वजह से क्रश हो चुके हैं, उनका हेल्थ केयर सिस्टम क्रश हो चुका है। और मुझे खौफ आता है कि खुदा ना खास्ता रमजान के आखिरी अशरे के अंदर जाकर शायद हमें लाशें उठाने से फुर्सत ना मिले। बिल्कुल सही है यार, मजर ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये वाकई में ये ऐसा हो चुका हुआ है, हमारे सामने हो रहा है, इटली में हुआ है, स्पेन में हुआ है, अमेरिका में हो रहा है, लाशें गिर रही हैं। क्योंकि जब तक लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इस वायरस के पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस तरह पाकिस्तान में सिचुएशन है, बाजार खुले हुए हैं, लोग अभी भी इकट्ठे हो रहे हैं, मस्जिदें खुली हुई हैं, ये तो यार बहुत दर्दनाक कहानी बनती जा रही है। आप यकीन करें कि मैंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी कि जी कबूतर के पोटे से इलाज हो सकता है, बकरे की नली से इलाज हो सकता है, इस धागे से इलाज हो सकता है, इस तावीज से इलाज हो सकता है, मास्क वगैरह कुछ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, हमें हाथ मिलाना चाहिए, मुसाफे का हुक्म कुरान की तरफ से है। मुझे अभी भी याद है कि हम बचपन में हजरत अबू उबैदा बिन जरा के बारे में पढ़ा करते थे कि जब वो सीरिया के अंदर वो जो प्लेग एक आया था, बड़ा प्लेग आया था, उसके अंदर जब बीमार हुए तो हजरत उमर उनको लेने के लिए सीरिया के बॉर्डर तक पहुंचे, तो आपने ये पैगाम कह के उनको भिजवाया कि उमर रुक जाओ, तुम खुदा के हुक्म की उदूरी ना करो। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि अगर किसी इलाके में वबा फूट पड़े तो वहां पर बेमसरफ जाओ ना और वहां से बेमसरफ आओ ना। हजरत उमर वापस तशरीफ लाए और दोबारा एक खत लिखा हजरत अबू बैदा को कि मेरा दिल इस बात से निढाल होता है कि अगर आप नहीं आएंगे तो परेशानी होगी, आप इतने पहुंचे हुए इंसान हैं, आप वहां पर लीड भी करें, आप एक अहम शख्सियत है हमारे लिए। लेकिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने वापस रिफ्यूज कर दिया इस चीज को कि मेरे नबी का हुक्म चूंकि ये है कि हमने आइसोलेशन रखनी है, हमने अलग हो जाना है। अब क्वारंटीन क्या मामला के ऊपर देख लें, रोजाना एक नई वीडियो आ जाती है, लोगों को 5-star होटल्स के अंदर क्वारंटीन किया जा रहा है। जस्ट कैन यू इमेजिन, पीसी जो है इस क्वारंटीन का सेंटर बना हुआ है, बट स्टिल पीपल आर नॉट हैप्पी, वो वहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। एक्सपो सेंटर के अंदर वो अरेंजमेंट्स किए गवर्नमेंट ने तो वहां पर वो प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। मतलब आपको वाईफाई, जो जिंदगी आप मांगते थे किसी जमाने में कि करने को कुछ ना हो और वाईफाई अवेलेबल हो, वो आपको दी जा रही है, आपको पीसी के अंदर ठहराया जा रहा है। इसके बावजूद भी आप रोजाना एक लश्कर कशी कर लेते हैं, कभी स्टाफ के ऊपर, कभी बाहर सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द
पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ अभी तक वो समझने से कासिर है कि भैया ये जो बीमारी है ये वाकईतन ऐसे मसाइल पैदा कर, ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ना, तो इसलिए उनको ज्यादा मसाइल है कि जी हमें क्यों ठहराया जा रहा है। या उन लोगों के लिए जो आपके प्यारे हैं, जब आप उनसे मिलेंगे, अपने बच्चों से, अपने बूढ़ों से, जब आप उनके पास जाएंगे और अगर आप उनको ट्रांसमिट करते हैं डिजीज और उनके अंदर डिजीज का पैटर्न मुख्तलिफ होता है, तो आप इस चीज को कैसे डील करने जा रहे हैं ये अभी सोचना होगा, मगर ना आने वाले दिन मजीद अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। यार मजर आपकी इस बात से मुझे वो एक मीम याद आ रही थी, बड़ी सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट पे, वो ये कि हर जनरेशन में जो है ना एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ उन्होंने डिसाइड करना होता है कि अगली जनरेशन की फेट क्या होगी। हमारी जनरेशन के लिए ये टर्निंग पॉइंट इसको जब कोरोना वायरस पेंडेमिक है, और हमने सिर्फ करना क्या है कि हमने सिर्फ काउच पे लेटना है और इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है, और हम ये जंग सिर्फ इसी तरह जीत सकते हैं। ठीक है, उसमें भी जो है यार, उसमें भी जो है हमारा रिस्पॉन्स इतना पुअर जा रहा है। अभी तो हमें ये नहीं कहा गया कि आप बैटल फील्ड में उतर जाओ, आप जाके दुश्मन से लड़ो, सिर्फ काउच पे लेटो, आराम से रिलैक्स करो। यार इसमें क्या मसला है ऐसा? मैं कई बार अगर कोई पेशेंट आ जाता है ना ऐसी सिम्टम्स के साथ, जो खुद भी जानता है कि शायद पैनाडोल से हो सकती है, जब वो आता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब आप अपने आप को नहीं बचा रहे, आप अपनी फैमिली को बचा रहे, आप अपने मुआशरे को बचा रहे। ऐसी चीजें जो कि आप घर में मैनेज कर सकते थे, टेली मेडिसिन है, गवर्नमेंट ने इस तरह के भी स्टेप्स लिए हैं, अगर आप उसके बावजूद भी सिर्फ हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है, आपने वैसे ही शायद काम किया नहीं, आप खैर आप तो हमेशा से अमेरिकन थे, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया वो जानते हैं कि यहाँ पर टीका लगवाने का ना एक बड़ा ट्रेंड है। मतलब कोई भी बीमारी होगी, किसी भी तरह की बीमारी होगी, उसके लिए जो 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 वो क्योर है वो उसका सिर्फ टीका है। मेदे में दर्द है तो टीका है, घोड़े में दर्द है तो टीका। तो लोग यकीन करें, ऐसे मसाइल जो कि सिंपल ओमेप्राजोल से वो खुद भी जानते हैं रिजोल्व हो सकते हैं, उसके लिए भी टीका लगवाने के लिए जब आते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब आप ये, मैं मानता हूं कि आपको कोरोना कुछ नहीं कहता, क्योंकि आप बहस का फायदा नहीं, अगर आप किसी को समझाने के लिए जाएंगे ना, आप किसी को मत देने जाएंगे तो आप नहीं दे सकते। तो मैं उनसे ये अर्ज करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहने लगा, लेकिन उनका ख्याल कीजिए जो घर में बैठे हैं, शायद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, शायद छोटे बच्चे हैं, शायद बड़े लोग हैं, अगर आपने उनको ये डिजीज ट्रांसमिट कर दी यहाँ से ले जाकर, तो फिर पुरसाने हाल कोई नहीं होना। ठीक है यार मजर, अब मैं जो हूँ अपने सुनने वालों के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में एक बड़ा अहम इंडिकेटर है। WHO के डेटा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 10,000 मरीजों के लिए 10 डॉक्टर्स हैं, और इन्हीं 10,000 मरीजों के लिए पाकिस्तान में सिर्फ 6 बेड्स हैं, और पाकिस्तान में टोटल वेंटिलेटर्स की तादाद 2200 है। इसका मतलब यह है कि हर 1 करोड़ के लिए सिर्फ 100 वेंटिलेटर। अब आप अंदाज़ा करें जब हमारी कोरोना वायरस की पीक आएगी तो यहाँ पर क्या हाल होगा और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना स्ट्रेच हो जाएगा। एग्जैक्टली अवैस भाई, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि ये 10 डॉक्टर्स जो कि एक 10,000 की पॉपुलेशन को अवेलेबल हैं, इनमें वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने ICU सर्विसेज नहीं दी हुई, जो नहीं जानते कि इस पेंडेमिक के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और इसके अंदर सर्जन भी शामिल हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, ये सारे लोग शामिल हैं। तो हमारी इनफैक्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी अभी बाकायदा तौर पर तैयार नहीं है। और मैं यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं दोष देता हूँ ज़रूर गवर्नमेंट की लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग को। शुरू से ही अगर आप पैटर्न देखें, जब से पहला केस डिस्कवर हुआ और अब तक का जो पैटर्न है गवर्नमेंट का, शायद इकोनॉमिक ओरिएंटेड ज़्यादा है, इकोनॉमी को बचाने के लिए ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इस बात को नहीं समझा जा रहा कि जब यहाँ पर पीक आएगी तो उसको कैसे मैनेज किया जाना है। उसके लिए छोटे छोटे सेंटर्स तो ज़रूर इन्होंने क्रिएट कर दिए क्वारंटीन करने के लिए, लेकिन अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखेंगे तो ना सिर्फ ये सेंटर्स क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है बल्कि मैसिव स्केल के ऊपर टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी मुश्किलों से जब एक महीना गुजर गया केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद एक 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 लैब को अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अभी भी फिल वक्त जो केसेस हो रहे हैं यहाँ पर वो नाकाफी हैं किसी भी तरह से इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले मुल्क को इस पैंडमिक से बचाने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार। मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत के पास शर्ट्स बनाने के लिए, लैपटॉप बांटने के लिए और इन चीज़ों के लिए पैसे होते हैं, लेकिन डॉक्टरों को PPE प्रोवाइड करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, क्या वो प्रोवाइड करना चाहते नहीं हैं। मैं अवैस भाई इसके अंदर बेसिकली वो मैं अभी 2 दिन पहले ही एक स्टेटस पढ़ रहा था कि शायद गवर्नमेंट ने हर्ड कम्युनिटी डेवलप करने के लिए जो बेट रखा हुआ है ना वो डॉक्टर्स को रखा हुआ है कि वो इनको इस हर्ड कम्युनिटी डेवलप करने के लिए उनको बेट चढ़ाएंगे।
हालात तो यही है सर, अभी तक इस बात को समझने से गवर्नमेंट कासिर है कि वाकयातन हमें इमरजेंसी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने पड़े। ये हालत जंग है इस वक्त, क्या हालत जंग के अंदर ये सोचा जाता है कि इकोनॉमी के बारे में क्या करना है? कभी भी नहीं ऐसा होता। हाँ जी बिल्कुल यार, वैसे तो पंजाब हुकूमत अपनी तरफ से आप लोगों को गॉड ऑफ ऑनर दे चुकी हुई है, उन्होंने तो आपको अपनी तरफ से शहीदों में शामिल कर दिया हुआ नहीं मैं आपने जो कुछ भी हो अपने आपको पहले गॉड ऑफ ऑनर दे दिया। अब ऐसे भी मैं एक बात ज़रूर समझता हूँ कि जब इतना बड़ा सानहा हो और दुनिया पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो तो मुश्किल होता है उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो हम शायद आइडियल कंडीशन में प्रोवाइड कर पाते, लेकिन एक इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारा नुक्ता नज़र इन चीज़ों के बारे में, हमारी समझ बूझ इस चीज़, जैसे मैंने आपको पहले कहा किसी भी मुसीबत को मुसीबत मानना उसको डील करने का सबसे पहला स्टेप होता है। तो अभी तक जो नज़र आता है गवर्नमेंट के नज़दीक, मुझे अभी भी यही नज़र आता है कि शायद इकोनॉमी को मैनेज करना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि इस वक्त प्राइम इंपॉर्टेंस आइंदा 1-2 हफ्तों के अंदर जो है वो इस कर्व को फ्लैट करना है, अदरवाइज हेल्थ के सिस्टम बिल्कुल केपेबल नहीं है कि वो इतनी मोर्टैलिटी को बर्दाश्त कर सके। और आपको तो अंदाज़ा ही है कि पाकिस्तान के अंदर मोर्टैलिटी के ऊपर जो रिएक्शन देखने में आता है, लोग शायद सारी उम्र बेड सोर्स डेवलप हो जाए, पेशेंट को देखने नहीं जाते, लेकिन जब इंतकाल अगर कोई कर जाए हॉस्पिटल के अंदर तो सबसे पहले हॉस्पिटल जो स्टाफ होता है उसके उनको गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है उन अटेंडेंट्स की बदतमीजियों का। तो इस वक्त हालात इतने नहीं है अच्छे कि जितना हम मुतमिन होकर बैठे हुए हैं और हम सुकून में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा यार मज़र, अब ये बताएं कि इस सारे सूरत हाल में आप लोगों की फैमिलीज इस सारे मामले में कैसे वो डील कर रही हैं सिचुएशन को? थैंक यू सो मच अवैस भाई, पहली मरतबा डॉक्टर्स की फैमिलीज़ के बारे में आज क्वेश्चन किया गया है और पूछा गया है। देखिए हम खुद चूँकि फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हम जब पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक बात ज़रूर होती है कि जब यही डिज़ीज़ जब अगर खुदा ना खास्ता में इन्फेक्ट करती है और हम वापस घरों में जाते हैं तो क्या होने जा रहा है हमारी फैमिलीज़ का। उन बेचारों ने तो उस क्वारंटीन को प्रॉपरली फॉलो किया है जिसका गवर्नमेंट कहती है, क्योंकि हमने तो अपने बड़ों को भी बोला, अपने बच्चों को भी कहा कि घरों में ठहर के रहें जो आइडियल सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन जब हम खुद वहाँ पर जाते हैं तो शायद हम खुदा ना खास्ता उनके लिए सोर्स ना बन जाए। तो एक बड़ा साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेसिंग किस्म का ना समझ लीजिए हमारे लिए मौका होता है। उसके अंदर जो कुछ भी अवेलेबल होता है अपनी इस्तेआत के अंदर, वो जो गाउन्स अवेलेबल हैं पीपीपी होम में वो ले रहे हैं, N95 परचेज कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें ताकि अपनी फैमिलीज़ को भी प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन सिर्फ दुआ ही है जो कि हमें इन हालात के अंदर बचा सकती है, अदरवाइज इन जनरल देयर इज़ नो होप राइट नाउ। ठीक है यार मज़र, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं और हमारी जो है ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलीज़ को जो है और पूरे पाकिस्तान को एक्चुअली महफूज रखे और इस वबा से बचाए। आप ये बताएं कि आप आखिर में इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए क्या कहना चाहेंगे? अवैस भाई थैंक यू सो मच फॉर अगेन इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का जो मौका आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरी सिर्फ 3 गुजारिशात हैं आवाम के साथ और गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा इस पेंडेमिक को सीरियसली लीजिए, वरना जिस तरह से बोरिस जॉनसन इनकारी था इसका और फिर इवेंचुअली खुद आईसीयू में गया, जिस तरह से ट्रंप इनकारी अभी तक और इस बात को समझ नहीं पा रहा, आप भी आज तक इनकारी हैं। सड़कों के ऊपर बाजारों में जो हालात हैं वो शायद अभी तक इस बात को समझाने में कासिर हैं आप लोग कि वाकई ये बीमारी इस हद तक ख़तरनाक है कि शायद आपका हेल्थ केयर सिस्टम इसको बिल्कुल बोझ इसका उठा नहीं सकता। आवाम से मेरी दरख्वास्त ये है कि सोशल आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा ना खास्ता अगर कोई मतलब कोई एक बंदा इन्फेक्ट हो गया तो वो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम जो आपको सेहत की सहूलियात मुहैया करने वाला निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर उसको उस पीक के ऊपर ओवरबर्डन ना किया जाए, वो कर्व फ्लैट रहे, उसके ऊपर सिर्फ इतने ही केसेस आए जिनको वो कैडर कर सकता है और आहिस्ता आहिस्ता ही मैनेज होता जाए। इवेंचुअली ख्याल तो मेरा यही है कि एक बड़ी मेजर पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू गेट इफेक्टेड बाय दिस वायरस, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो इस हेल्थ सिस्टम को बचा सकते हैं ताकि हमारे प्यारे अगर खुदा ना खास्ता उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर उनको उनके लिए वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हों, उनके लिए आईसीयू के अंदर बेड भी अवेलेबल हों। और आखिर के अंदर रमज़ान का महीना है, आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक के
इस वबा की तबाहकारियों से हम सबको बचाए। ये बीमारी मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं देखती है, इसको मजहबी रंग मत दीजिए कि अगर आपको बहुत बड़े मोमिन हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े सहाबा और ताबईन उस वो जो ग्रेट प्लेग आया था उस ज़माने में उसके अंदर शहीद हुए, उसके अंदर इंतकाल किए। तो इस बात को समझिए कि ये बीमारियां जो होती हैं ये देखती नहीं है कि आप ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं या कोई काफिर या क्रिश्चियन है। ये बीमारी सिर्फ बीमारी है और इसको सिर्फ एहतियात से ही बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही है यार मज़र। एंड पे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि WHO के डायरेक्टर ने जब पेंडेमिक डिक्लेयर कर रहे थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि नो वन इज़ सेफ अनटिल एवरीवन इज़ सेफ। मतलब ये है कि उस वक्त तक कोई भी महफूज नहीं है जब तक सब महफूज नहीं है। Exactly, तो ना सिर्फ exactly. हमारा इनफरादी बल्कि एक तैयार करें, WHO की हुकूमत की गाइडलाइंस को फॉलो करें और इस पेंडेमिक के कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसमें अपना किरदार अदा करें। Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत मजा आया, जबरदस्त। इंशाल्लाह टीम का अगर जिंदा रहे तो दोबारा मुलाकात होगी और आपको दोबारा बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे। एक मिनट ठहर जाए, मैं आपकी प्रोडक्शन टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो जो लड़के पीछे बिल्डिंग्स के अंदर बत्तियां जला के खड़े हुए हैं उनका शुक्रिया, आपके साउंड इंजीनियर का शुक्रिया, आपके कैमरामैन का शुक्रिया, आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ जैसी नाचीज को कंसिडर किया। ये एक मुश्किल टास्क है, ये इतने बड़े दरिया के ऊपर रोशनी डाल के इतना खूबसूरत मंजर क्रिएट करना, लेकिन स्टिल योर लाइटिंग टीम हैज डन अ ग्रेट जॉब, तो उसके लिए शुक्र। आपका मेकअप मैन जो है ना, ओ मेरे खुदा, बहुत गेम उठा के, ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें ये कॉल डिस्कनेक्ट होने लगी है, मॉन्स्टर्स खवाती नजर आ रही है। टॉमी अलमी है कि कतरीना कैफ अभी तक सिंगल है और वैस भाई ने शादी कर ली, बच्चा भी बना लिया, लो जी। यार मजर ऑलवेज अ प्लेयर, बहुत मजा आया, इंशाल्लाह गपशप लगाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।